अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने मंच लगाकर हाथों में काले झंडे लेकर जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान रिक्शा चालकों ने पुलिस प्रशासन व आरटीओ पर भी कई तरह के गंभीर सवाल उठाए। इंदौर शहर में आज बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा के पहिए थम गए। दरअसल ओला, उबर, रैपिडो, जुगनू व इन जैसी ऑनलाइन कंपनियों व यातायात पुलिस आरटीओ के खिलाफ ऑटो रिक्शा चालक महासंघ द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। रिक्शा चालक महासंघ के अध्यक्ष राजेश बिड़कर के मुताबिक वह पिछले लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज महासंघ द्वारा घोषित प्रदर्शन कलेक्टर कार्यालय के सामने मंच लगाकर किया गया। वहीं रिक्शा चालक द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम दिया जाएगा, जिसमें प्राइवेट कंपनी ओला, उबर, जुगनू व अन्य ऑनलाइन गाड़ियों को लेकर प्रतिबंध करने की मांग की जा रही है। बिड़कर के मुताबिक आज सिर्फ स्कूल ऑटो रिक्शा वालों ने प्रदर्शन किया है, यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर आंदोलन करके प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, मीडिया गवाह है। पिछले एक साल से हम ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बाइक टैक्सी हो, ओला, जुगनू, जितने भी लोग हैं ये अवैध रूप से चल रहे हैं। प्रशासन बंद क्यों नहीं करा रहा है? आरटीओ ने कई बार गाड़ियां पकड़ी, औपचारिकता पूरी करी। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियां पकड़ी, औपचारिकता पूरी करी। पर हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है, गजट नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद बाइक टैक्सियां बंद क्यों हुई हैं? दूसरा प्रश्न हमारा है कि AICTL अवैध रूप से मैंगो टैक्सी चला रहा है, जहाँ 17 रुपये हमारा भाड़ा हुआ 35 रुपये चला रहा है। प्रशासन खुद गलत कर रहा है और इसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो इसके विरोध में हम आज आए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन देने। और हम मांग करते हैं कि परिवहन अधिकारी को तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। AICTL स्कूल बस भी प्रारंभ करने जा रहा है, हम तो जोरदार विरोध करेंगे। AICTL अगर बस चालू करता है, स्कूली बस चालू करता है, तो हम लोग जबरदस्त विरोध करेंगे, क्योंकि 4,500 हमारे स्कूली ऑटो बेरोजगार हो जाएंगे। आपके रिक्शा के अंदर 3 सवारी का एक नियम बना हुआ है, लेकिन आपके ही रिक्शों में 5-5, 6-6 बच्चे भर के चलाए जाते हैं, अलग से पटिया लगा के चलाए जाते हैं। उसका भी प्रशासन ने आप लोगों को बोला था, लेकिन उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया। क्या पुलिस हो रही है? यातायात पुलिस क्या कर रही है? अगर यातायात हम गलत है, तो यातायात पुलिस बाकायदा चालान बनाए, चालान क्यों नहीं बनाते हो भाई? आपके पास तो कानून है ना, अगर कोई गलत है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और हमने एक चीज और रखी है कि हमारे लोग वर्दी से चलेंगे और मीटर से चलेंगे, और जो वर्दी और मीटर से नहीं चलता है तो उसके खिलाफ जहां 500 का पनिशमेंट होता है, 1,000 का करें।